हाय फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एक राउंड बिस्किट को अगर पिलो पैक में पैक करते हैं, उसका पैकेट लेंथ और पैकेट विड्थ कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब लैमिनेट का लेंथ और लैमिनेट का विड्थ कैसे निकालते हैं। और पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक स्क्वायर बिस्किट का पिलो पैक में पैक करेंगे तो उसका पैकेट लेंथ, मतलब रैपर लेंथ और रैपर विड्थ कैसे निकालेंगे। आज हम देखेंगे एक राउंड बिस्किट का पैकेट लेंथ और पैकेट विड्थ कैसे निकलता है। दोस्तों, इसको निकालने के लिए हमको पहले ज़रूरत होगा कि बिस्किट का स्टैक कितना है और उसका बिस्किट का डाया कितना है और जॉ हमारा कितने का है। ठीक है, तो इससे हम पैकेट लेंथ निकाल सकते हैं। और विड्थ निकालने के लिए हमको सिर्फ चाहिए वो जो राउंड बिस्किट है उसका डाया कितना है और हम बॉटम सीलिंग के लिए कितना रखेंगे, फिर हमारा पैकेट विड्थ निकल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करके रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो कुछ अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको वॉच कर पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो बिस्किट है इसका जो स्टैक है, मान लीजिए इसका स्टैक है 100 mm। ठीक है, और इसका जो डाया है, बिस्किट का डाया ये है 56 mm। मानते हैं 56 है, आपका बिस्किट जितना साइज होगा आप उसके हिसाब से हिसाब कीजिएगा। ठीक है, मैं मान लिया कि 56 है और हमारा जॉ इसमें लगा हुआ है 26 mm का, तो हम इसमें से पैकेट लेंथ सीधा हिसाब है, पिछले वाले वीडियो में जैसे बताया था वैसा ही है। स्टैक हमारा 100 है और डाया इसका 56 है, इसमें उसको जोड़ेंगे और जॉ 26 mm है उसको भी ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा आ जाता है 100 प्लस 56 प्लस 26, तो टोटल हो गया 182 mm। तो हमारा पैकेट लेंथ निकल गया के 182 mm। तो दोस्तों, अभी हम इसका पैकेट की विड्थ निकाल के देखेंगे कि विड्थ कितना आता है। तो विड्थ निकालने के लिए, जैसे ये राउंड बिस्किट है, राउंड बिस्किट के लिए हमको इसका जो बिस्किट है 56 का, इसका पूरा सर्कल निकालना पड़ेगा कि इसका सर्कल कितना है। फिर उसके बाद हम जो बॉटम सीलिंग आता है या फिर लॉन्ग सील बोलते हो जिसको, वो जितना लेंगे उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। पहले इसका सर्कल निकालने के लिए हमको ज़रूरत होगा पाई की हिसाब का। तो पाई का हिसाब के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, पहले हम लेंगे 3.14 इंटू स्किट का जो डाया है, मतलब 56। फिर बॉटम सीलिंग के लिए मान लीजिए हम लेते हैं 26, मैंने मान लिया कि 26, आप जितना ऐड कर सकते हो इसमें, कोई 30 लेता है, कोई 26 लेता है, तो 26 ले लिया। अगर इतना मैं लेता हूँ तो हमारा कितना निकलेगा, 3.14 इंटू 56 प्लस 26, टोटल आ गया कितना, 201 mm, 201.86, तो 201.86 आता है। इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 202 mm, तो इसमें हमारा पैकेट की विड्थ निकल गया। तो मतलब पहले तो लेंथ निकाल के रखे थे, अभी हमारा विड्थ निकल गया। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेना, 2πr होता है, इसलिए पाई मैंने लगाया 3.14 प्लस, जैसे कि 2π बोला था इसलिए हम यहाँ 56 का हाफ लेना चाहिए, मैंने डायरेक्ट 56 कर दिया। फिर 26 mm हमारा बॉटम सीलिंग के लिए, बॉटम सीलिंग के लिए 26 पकड़ा मैंने, आप उसको 30 भी ले सकते हैं, 30 लेंगे तो और 4 mm बढ़ जाएगा। तो अभी इसके हिसाब से हमारा आ गया 201.86 mm, तो राउंड फिगर में मैंने इसको 202 mm ले लिया, तो मतलब हमारा पैकेट की विड्थ निकल गया। ठीक है, तो पैकेट लेंथ और पैकेट लेंथ, पैकेट की विड्थ ऐसे ही निकालते हैं। तो इसको याद रखना कि जब भी कोई भी बिस्किट आपके सामने आए, आपको कोई पूछे तो आप सीधा हिसाब करके बोल देना कि इतना ही लगेगा, या फिर कहीं कोई आपका पैकेट में आपको दिक्कत हो रहा है, आप किसको बोलने जाओगे कि हमारा ये इसमें दिक्कत है लैमिनेट में, उसको लॉजिकली आप समझाने के लिए आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा, फिर आप दिखा सकते हो कि हमको इतना विड्थ की लैमिनेट चाहिए तभी हम इसको पैक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।